देखो दोस्तों, आज रिकू चुके के पापा बगीचे में एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो देखो कितने प्यारे प्यारे फूल पौधे यहाँ पर है, और इनका दोस्त यहाँ पर देखो खड़ा होकर देख रहा है। ओहो देखो देखो, रिकू चुकू के पापा यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तों। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो रिकू चुकू के पापा, आज तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत। हाँ, एक्सरसाइज करने अच्छी बात होती है भाई, मैं तो एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन रिकू चुकू के पापा, आपके रिकू चुकू स्कूल से आए या नहीं? अरे नहीं, मैंने तो बस लगा दिया है उनके लिए, उनका एग्जाम था तो मैंने उनके लिए बस लगा दिया है। अब वो बस से जैसे ही आएंगे तो मुझे आज बाहर जाना था। अरे रे रिकू चुकू के पापा, आपने सुना कि पता है आपको हॉस्पिटल में कोई और आया है? आहा, कौन आया है? अरे आपको क्या बताओ, आपको तो डॉक्टर जी खुद ही फोन करके, या तो डॉक्टर का कंपाउंडर है ना गोलू, वो ही आपको बता देगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? अरे नहीं, मैं कह रही हूँ आपको वो खुद ही बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे रे, बता दो ना मुझे क्या होगा। अरे नहीं, आप पहले, आपको देखना थोड़े टाइम में फोन आ जाएगा कि कोई तो आया है नया व्यक्ति, ट्रीटमेंट के लिए नया डॉक्टर आया है दोस्तों। अरे रे, ठीक है, चलेगा। मुझे तुम मत बता देना, मुझे अगर डॉक्टर का फोन आता है तो मैं देख लूंगा। जरा मैं अपने चाय नाश्ते के लिए अपनी पत्नी को पुकारता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ है। अरे हाँ, जरूर जरूर जरूर, देखिएगा तो देखता हूँ, जरा फ्रेश हो जाता हूँ। खाने पीने के लिए अगर बच्चे आते हैं तो उनको भी तो खाना देना है, फिर मेरी भी तैयारी करनी है, और आज शायद मंगलवार है तो मुझे बाहर भी जाना था। अरे रिकू चिकू के पापा, जब फोन आएगा तो आप डिसाइड करना कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने सुना है कि कोई और, कहीं और आपको बुलाया जाएगा आज। अरे रे, ऐसी क्या बात है? ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाके पहले फ्रेश तो हो जाऊं। ऐसे बोलकर रिकू चुके के पापा मोबाइल वहीं पे छोड़कर, वो बगीचे में मोबाइल रखकर वो चले गए नहाने के लिए। तो दोस्तों इतने में देखो उनको फोन आता है। ये क्या, ये तो फ्रेश होकर आ भी गए और फोन पर लगे हुए हैं। ओहो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। ओहो पता नहीं, देखते हैं, चलो आगे। अरे ये कौन है? ओहो ये तो गोलू है, डॉक्टर का कंपाउंडर। हेलो हेलो रिकू चिकू के पापा, मैं बात कर रहा हूँ गोलू, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब। अरे हमारे यहाँ पे नया डॉक्टर आया है, डॉक्टर पैरट यानी डॉक्टर पोपटलाल आए हैं। आप अपने बच्चों को लेकर जल्दी ही यानी आराम से 12 बजे के बाद आप लोग मेरे सर के कंपाउंड में आ जाना, यानी दवा खाने में आ जाना भाई, मैं भी भूल जाता हूँ। अरे लेकिन ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब, क्यों आप बुला रहे हैं? मुझे सुबह भी किसी ने कहा कि बुलाया बुलाया जाएगा, बाहर मत जाना। अरे अरे, वो सारी बातें आपको पता लग जाएगी रिकू चिकू के पापा, कितनी बहस करते हो आप, आपके बच्चे कहाँ पर है? अरे अरे डॉक्टर साहब, वो तो स्कूल गए हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे वो स्कूल से आ जाएंगे उनको लेकर आप हॉस्पिटल में आ जाना। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन क्यों आना है? आज तो उनका इंजेक्शन शायद नहीं है। अरे बाबा, आज उनका इंजेक्शन है, मंगलवार है आज, आप भूल जाते हो भाई। जल्दी जल्दी उनको लेकर आप इंजेक्शन के लिए आ जाओ, जैसे वो स्कूल से बस से उतरेंगे उनको खाना पीना खिलाकर और सारी बातें फ्रेश वगैरह करके आप भेज देना, या खुद आ जाना, सब साथ में आ जाना, ठीक है? ओहो ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कैसे भी कोशिश करके उन लोगों को लेकर आ जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है, आप लोग इतना क्यों फोर्स कर रहे हो कि आना ही चाहिए करके? अरे रे, मैं किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ, आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर आया है अलग, आप एक बार मिलकर जाइए, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी, क्यों नहीं समझते हो आप? अरे नहीं, डॉक्टर साहब आप नाराज मत होना,
मैं तो ऐसे आपको पूछ रहा था। चलिए डॉक्टर साहब, मैं मिलता हूँ आपको, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, सब बातें सब काम भी कर पत्नी से भी बातें कर देता हूँ। सब फ्रेश ब्रेश होने के बाद में मैं रिकू चिकू को जैसे बस से उतरेंगे, गाड़ी का बंदोबस्त करके मैं आ जाऊंगा डॉक्टर साहब, आप चिंता ना करें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही कह रहा था, तुम आ जाओ प्लीज प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ 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 ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए बाय बाय डॉक्टर साहब। ओके ओके बाय बाय रिकू चुकू के पापा, बाय बाय। ये बोलकर रिकू चुकू के पापा और डॉक्टर की बात यानी सॉरी कंपाउंडर की बात हो जाती है, वो भी एक डॉक्टर की तरह ही होते हैं, तो वैसे ही। और यहाँ पे उनका दोस्त जो है ना, देखो यहाँ पर उनका दोस्त यहाँ पे अकेला रह गया, अभी पता नहीं घर के चारों ओर तो वाह वाह कितनी ग्रीन हरियाली है भाई, वाह 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 मानना पड़ेगा, वाह 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 वेरी गुड, वाह वाह बहुत ही सुंदर घर है रिकू चिकू का। चलो चलो अभी रिकू चिकू आते होंगे तो उनकी मम्मी से जाकर किचन में मिलते हैं। अले वाह वाह दोस्तों, मैं हूँ गोलू कंपाउंडर, रिकू चिकू का डॉक्टर का कंपाउंडर हूँ। ओह दोस्तों सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको बाद में, बाय बाय दोस्तों। रिकू चिकू की मम्मी, ओ रिकू चिकू की मम्मी कहाँ हो भाई, अरे किचन में नहीं दिख रही हो, कहाँ चली गई तुम, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अरे बाबा कहाँ हो रिकू चिकू की मम्मी, बोलो ना। अरे अरे बोलिए, मैं यहाँ पे हूँ जी, बोलिए बोलिए क्या हो गया आपको, क्यों आप चिल्ला रहे हो। अरे रिकू चिकू की मम्मी कितने परेशान करती हो यार, सही में मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। अरे रे रे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी, मैं तो यहीं पर हूँ, मैं तो काम निपटा रही थी ना। अच्छा अच्छा ओहो, अरे मैं कह रहा था कि आज मुझे डॉक्टर साहब का फोन आया है, तो रिकू चिकू जैसे स्कूल से सारे बच्चे आ जाएंगे ना, तो खास करके रिकू चिकू को जल्दी से हम लेकर खाना पीना खिला देना, तो उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे कोई नया डॉक्टर पोपट आया है, हमें उनसे मिलना है, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बातें करेंगे वो लोग। अरे रे अच्छा अच्छा रिकू चिकू के पप्पा आप टेंशन ना ले, हम ज़रूर जाएंगे, मैं जैसे ही आएंगे वो मैं उनको तैयार कर दूंगी, आप और हम सब मिलकर जाएंगे, आप टेंशन ना ले बस। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं तो टेंशन नहीं ले रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बताने आ गया, क्योंकि मुझे भी चिंता होती है, नहीं तो डॉक्टर मुझे चिल्लाएगा ना। इसके लिए जल्दी जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ और जल्दी जल्दी से उनके लिए दूध तैयार करो और खाने का बंदोबस्त करो। चलो चलो जल्दी करो रिकू चिकू की मम्मी। हाँ हाँ मैं करती हूँ बाबा, मैं करती हूँ, बस आप टेंशन ना ले, मैं कर लेती हूँ ठीक है। ये बोलकर रिकू चिकू की मम्मी किचन की तरफ काम करने लग गई, अभी वो सारे काम कर रही है। यहाँ पे उसने गैस का बटन ऑन कर दिया देखो, और यहाँ पे उसने देखो रिकू चिकू की मम्मी ने रख दिया है पैन चाय बनाने के लिए, अब उसमें पानी डाल देंगी वो, तो और सारा दूध डाल देगी, दूध को गर्म कर रही है। और यहाँ पे देखो एक टोप को और रख दिया है, थोड़ा सा उधर पानी डालकर चाय बना लेंगी दूध डालकर। यहाँ पे पत्ती डाल दी है रिकू चिकू के पापा के लिए, देखो वाह वाह अच्छे से अभी चाय पक रही है, अब वो रिकू चिकू के पापा को चाय दे देंगी, कप ले लिया उन्होंने, चाय हो गई है, अब चाय दे देंगी वो। अरे रिकू चिकू के पापा कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, कहाँ हो जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। अरे रे रे मैं यहीं पर हूँ, रुको 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 रुक जाना,
मैं आ रहा हूँ, रुको। अरे मैं यहीं पर हूँ रिकू चिकू की मम्मी, मैं बगीचे में पानी डाल रहा था थोड़ा सा, रुको रुको मैं लेता हूँ, रुको रुको। अरे हाँ, अब रिकू चिकू के पापा चाय पी रहे हैं, देखो वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं भाई। वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, कितना अच्छा चाय बनाया है रिकू चिकू की मम्मी ने, दिल खुश हो गया है मेरा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या चाय रिकू चिकू की मम्मी ने बनाया है, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया मेरा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही में बीबी हो तो ऐसी हो। रिकू चुकू के पापा यहाँ पर वेट करते हुए खड़े हैं कि कब मेरे बच्चे आएंगे और मैं कब उनको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। अरे ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं, बहुत टाइम हो गया। अरे वाह वाह वाह, देखो आ रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किचन की तरफ से आ रहे हैं ये बच्चे, वाह 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 वाह। चलो चलो इनकी बैग उतार देता हूँ, मैं उतार देता हूँ जल्दी जल्दी बैग। ओहो चलो मैंने तो बैग ले लिया है, बैग रख देता हूँ इधर, दूसरी बस भी आती होगी। अले ले ले, हम आ गए आ गए आ गए आ गए, आज बहुत बढ़िया एग्जाम गया हमारा, वाह 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 वाह। अले ले ले, हम बहुत खुश हैं, आज बहुत अच्छा एग्जाम गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा एग्जाम गया, वाह 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 वाह। अरे ले ले, ये सब खुश क्यों है बच्चे, अरे ले आज तो बहुत अच्छा एग्जाम गया। हाँ सही में, हाँ, मेरा एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया है, मैं तो घर पे जाके मम्मी को बोलूंगी। अच्छा अच्छा बच्चों, तुम जाओ जल्दी जल्दी और मुझे रिकू चिको का बैग दे देना भैया, मैं तो आगे चली जाता हूँ। हाँ, अंकल आप बैग ले लीजिए ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे बच्चे रिकू चिकू नहीं दिखाई दे रहे, अरे ले वो आते ही होंगे ना, वो पीछे से आ रहे थे। हाँ, पीछे से आ रहे थे अंकल, पीछे से। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो अभी तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं भी चले जाता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम्हें याद है आज हॉस्पिटल जाना है। अरे धत तरीके, आज हॉस्पिटल जाना है, मुझे तो नहीं जाना था। ओहो देखो फिर भी अगर तुम्हें आना है तो तुम चले आना, नहीं तो मैं तो रिकू चिकू को लेके जा रहा हूँ। अरे ले अच्छा अच्छा ठीक है चलो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो बेटा, बाय बाय, चलो बाय बाय बेटा, बाय 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 अंकल, बाय बाय अंकल, बाय बाय अंकल। चलो चलो अभी ये कह कर इनकी गाड़ी यहां से निकल गई बस। अब रिकू चिकू का वेट करते हुए इनके पिताजी खड़े थे तो इतने में इनकी प्यारी सी गाड़ी आ गई, देखो इनके प्यारे बच्चे भी आ रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। अरे मेरे प्यारे बच्चे रिकू चिकू आ गए, अरे वाह बहुत बढ़िया रिकू तुम लोग आ गए, चलो चलो गाड़ी इस तरफ घुमाओ। हाँ, हम आ गए पिताजी, हम आ गए हम आ गए। ओहो वेरी गुड, अरे छोटी लड़की क्या तुम्हें पता नहीं आज हॉस्पिटल भी जाना है। अरे मुझे नहीं पता है, मेरी मम्मी को पता होगा ना अंकल, मेरी मम्मी को अगर डॉक्टर का फोन आया होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बार बार इंजेक्शन देता है ही, बार बार इंजेक्शन, ओहो मुझे नहीं जाना है भाई। ओहो अरे ऐसे कैसे बोलते हो, देखो रिकू तुम्हें तो जाना है ना। हाँ, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है जाना, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे ठीक होना है, ये तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे वाह वाह विक्रिकू बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पे बैठ जाओ। चिकू कहाँ है, अरे पापा मैं यहाँ पे हूँ, मैं जाऊंगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ बेटा तुम दोनों यहाँ पर बैठो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी ने दूध गर्म करके रखा है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी को बोल देता हूँ कि तुम्हें दूध दे दे। ओके पापा, ओके थैंक यू। लड़की तुम अपने घर चली जाओ। हाँ हाँ मैं तो जाऊंगी, बाय बाय, मैं घर जा रही हूँ अंकल,
बाय 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 रिकू चिकू, बाय बाय मोनी, बाय 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 बाय, चलो बाय, फिर मिलेंगे कल। कर रिकू चिकू के पापा सबको बाय करते हुए चले गए और यहाँ पे बैग रख दिया किचन की तरफ। घर आ गए हैं वो और देखो रिकू चिकू की मम्मी जो किचन में काम कर रही थी, उन्होंने दूध गर्म करके अपने बच्चों के लिए तैयार करके रख दिया है। देखो अभी रिकू चिकू की मम्मी ने अच्छे से दूध गर्म कर लिया, अभी वो कप में बच्चों को दूध दे देगी। ताकि बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए। लो बच्चों, आज तुम पापा के बेड पर बैठ गए, जल्दी जल्दी से बेटा ये फिनिश कर लो, ठीक है? हाँ हाँ हम फिनिश कर लेते हैं। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आते ही दूध मिला, वाह वाह वाह। हाँ बच्चों चलो जल्दी जल्दी से तैयार होना है, डॉक्टर के पास जाना है ना, इधर से हिलना मत, जल्दी जल्दी से दूध पी लो। तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, तुमने सुबह स्नान कर लिया था, अभी फटाफट कपड़ा ही ऐसे ही रहने दो और हमें जाना है। ओके 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 ठीक है मम्मी हम करते हैं। और रिकू चिकू की मम्मी दूसरे कामों में लग गई यहाँ पर, अब उसे घर पे दाल भी बनानी थी तो यहाँ पे देखो उसने दाल चढ़ा दिया है बनाने के लिए। वाह वाह बहुत बढ़िया। अरे कुछ कुकी मम्मी दाल बना रही है और देखो यहाँ पे उसने चावल बनाने के लिए टोप रख दिया है, उसने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा चावल डाल दिया है, अब यहाँ पे ये दाल चावल बन रहा है। देखो यहाँ पे रिकू चिकू की मम्मी कैसे दाल बना रही है भाई, वाह 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 वेरी नाइस, ओहो वाह वाह बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों यहाँ पे रिकू चिकू की मम्मी कैसे दाल बना रही है, वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो मुझे तो दाल चावल बनाना ही होगा, बच्चों को खिलाना जो है, और यहाँ पे देखो पानी भी गर्म हो चुका है। ओहो मैं जल्दी जल्दी से दाल बना देती हूँ और जल्दी से चावल रख देती हूँ और फटाफट खाना दे देती हूँ इन्हें, ये बच्चे भूखे हैं ना, देख के आती हूँ इनका हुआ क्या नहीं चाय पीकर, सॉरी दूध पीकर। अरे दूध तो खत्म हो चुका है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, प्लेट निकाल लेती हूँ। अरे वाह मैंने तो प्लेट निकाल लिया है, फटाफट से अब चावल लेकर आती हूँ। अरे वाह 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 मैंने तो चावल डाल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी चावल भी फटाफट से बन जाए मेरा। ओहो वाह 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 वाह, चलो मेरा काम हो चुका है, दाल चावल मेरा बन चुका है, वाह वाह बहुत बढ़िया। फटाफट से इन्हें खाना दे देती हूँ मैं। जल्दी से खा के बच्चे फटाफट से तैयार हो जाएंगे, सब तो तैयारी हो चुकी है, नहीं तो सब मुझे ही करना पड़ता है। दाल चावल दे देती हूँ, पहले ले लेती हूँ। रिकू चिकू आगे आ जाओ बच्चों जल्दी, चलो चलो जल्दी। अरे रिकू चिकू की मम्मी तो के जूते तो यहीं पे रह गए, साइड में रख देती हूँ। वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी आओ बच्चों जल्दी आओ, चलो चलो फटाफट से तुम खाना खा लो यहाँ पे बैठ के। लो लो जल्दी लो रिकू, ये लो जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी खा लो, फिनिश कर दो, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, कमॉन कमॉन जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ भाई खाते हैं खाते हैं खाते हैं, चलो चलो जल्दी खाओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो खाना फिनिश कर दिया है। चलो अभी रिकू चिकू के पापा को मैं खाना दे देती हूँ, कहाँ पर है? ओ रिकू चिकू के पापा कहाँ पर हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे अरे मैं यहाँ पर हूँ, रुको। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे अब खाना खा लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है मुझे दे देना फटाफट से, इनका प्लेट साफ कर दो जल्दी जल्दी से, इन्हें तैयार कर दो, मैं गाड़ी वाले को बुला कर लाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है रिकू चिकू के पापा, ठीक है चलो जल्दी से इनका प्लेट ले लेती हूँ और रिकू चिकू के पापा के लिए खाना डाल देती हूँ। अरे वाह यहाँ पे तो खाना रेडी है, चलिए रिकू चिकू के पापा आप खाना खा लीजिए। हाँ हाँ मैं खाना खा लेता हूँ।
चलो रुक चुके के पापा खाना दे देते हैं। अरे वाह, रिकू चिकू के पापा ने तो खाना फिनिश कर दिया। वेरी गुड रिकू चिकू के पापा, आप बहुत अच्छा करते हो। अरे हा हा, वाह वाह भाई, चलो चलो बच्चों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर साहब चिल्लाएंगे नहीं तो। अरे हम तो तैयार नहीं है दादा पापा, हम तो तैयार नहीं है, आप ही ऐसे कर ले हो, हम तो तैयार हो गए, हमारा खाना पीना भी हो गया है। ओके ओके बच्चो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो मैं गाड़ी वाले को बुला कर लाता हूँ। अरे रिकू चिकू की मम्मी कहाँ गई? अरे मैं यहाँ पर हूँ। अरे रिकू चिकू की मम्मी, आप खाना नहीं खा रही हो? अरे मैं बाद में खा लूंगी भाई, मैंने तो सुबह दूध पी लिया था थोड़ा सा, अब पहले दवा खाने का काम कर दूँ फटाफट। कौन आ रहा है पता नहीं। अच्छा अच्छा रिकू चिकू की मम्मी, ठीक है ठीक है। अरे भाई वाह वाह वाह, गाड़ी आ गई, वही तो। अरे ओ गाड़ी वाले कहाँ जा रहे? अरे रुको रुको, मेरे बच्चे लोग अभी तक आए नहीं हैं, रुको वहां पर बैठे हुए हैं, मैं बुला कर लेके आता हूँ। ओके 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 ठीक है। अभी गाड़ी में रिकू चिकू के पापा ने रिकू को बिठा दिया, चिकू को बिठा दिया, देखो वाह वेरी गुड। अब ये दोनों भी बैठ गए। चलो चलो रिकू चिकू के पापा बैठ जाओ जल्दी। अब ये देखो ये पर बैठ गई है रिकू चिकू की मम्मी भी। अब ये लोग जा रहे हैं दवा खाना, बहुत बढ़िया, ये होती है फैमिली सच में, बहुत बढ़िया। अरे रे रे, ये गिर कैसे गए? ओहो चलो इन्हें उठा लेते हैं फटाफट, नहीं तो दूसरी गाड़ी मंगा ले क्या? अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, चलो इन्हीं में बिठा देते हैं इन्हें। अरे रिकू चिकू एक काम करो, तुम लोग इसमें से चले जाओ, हम पीछे की गाड़ी से आते हैं बच्चों, ठीक है? नहीं तो हम यहाँ पे गिर जाएंगे, जगह नहीं है बच्चों। ठीक है पापा, ठीक है। ओके बेटा वेरी गुड। चलो दूसरी गाड़ी आ रही है। अब ये दूसरी गाड़ी में रिकू चिकू के पापा और रिकू चिकू की मम्मी दोनों आ रहे हैं भाई पीछे। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो गाड़ी निकल रही है इनकी आगे की ओर, दवा खाने की ओर। अरे ये कौन आ गया? अरे ये कौन है? ओहो ये तो वॉचमैन है जो दवा खाने के बाहर खड़ा है। चलो इनसे बात करते हैं, देखो क्या है गाड़ी का नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी। अरे अंकल हमारे पापा है ना, वो पीछे से पापा मम्मी आ रहे हैं। ठीक है अंकल। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो गाड़ी आगे लेके जाओ, गाड़ी आगे लेके जाओ। गाड़ी जा रही है दवाखाने के अंदर, वेरी गुड। अच्छा ये है क्या इसके माता पिता? ओहो अब उतर जाओ जल्दी, गाड़ी को भेज दो वहां पर, साइड में लगा दो पार्किंग में। चलो चलो जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में लगा दो, जो भी हो आप जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में लगा दो। अरे ये आदमी इतना छोटा दिखता है पर इसका काम कितना बड़ा है, देखो पार्किंग में लगा दो पार्किंग में लगा दो करके चिल्ला रहा है। मैं तो चल ही रहा हूं ना, गाड़ी तो चली गई। अरे बच्चों तुमने सुना नहीं, तुम्हारी गाड़ी पार्किंग में लगाना है। अरे अंकल हम कर देंगे रुको ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी से दवाखाने के अंदर चलो, ये बच्चों को उतार दो फटाफट। चलो गाड़ी निकालो यहां से, नहीं तो चिल्लाएंगे ना सर, डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। अरे मेरे प्यारे बच्चों तुम यहाँ पे चुपचाप से बैठना। ओके 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 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओहो देखो दवाखाना तो कितना बड़ा है। अरे वाह, अरे बाप रे, अब मैं समझा क्यों क्यों इतने टाइम से ये लोग कह रहे थे कोई नया आया है, नया आया है। बाप रे
ये तो डॉक्टर पैरट है, डॉक्टर तोता है ये, और इन्हें तो पोपट भी कहा जाता है, पोपट लाली। अले ले, मैं तो डर गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर पैरट आया है। ओ तोता, बहुत ही प्यारा पोपट डॉक्टर आया है। ओ, अरे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा पैरट डॉक्टर अच्छा लगता है ना, तो सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अरे बच्चों देखो, ये डॉक्टर पैरट है। वाह वाह वाह, मैं तो खुश हो गया, मुझे तो इनसे ही ट्रीटमेंट कराना है। ओहो बच्चों, चलो चलो जल्दी से। अरे वो डॉक्टर के जो कंपाउंडर, वो नहीं दिखाई दे रहे। अरे रे, कहाँ ढूंढे उनको? अभी अपॉइंटमेंट लेनी है ना। अरे कहाँ ढूंढे भाई इनको? ओहो, कहाँ पर है वो? अरे ये देखो, आ गए। अरे मैं फोन पे बातें कर रहा था। चलो चलो, तुम भी बहुत बकवास करते हो, इस बच्चे को उठाओ और जल्दी जल्दी से अंदर ट्रीटमेंट के लिए जाओ। अरे डॉक्टर, आप ही कह रहे थे ना कंपाउंडर जी कि कोई आया है। हाँ, मैं उन्हीं के लिए कह रहा था। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। अरे देखो यहाँ पे इंजेक्शंस, वाह वाह वाह, डॉक्टर का सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर तोता भी यहाँ पर आ गए। पेपर, वाह वेरी ब्यूटीफुल, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी ये डॉक्टर पैरेंट से बात कर रहे हैं। हेलो बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी जल्दी बोलो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, पहले अले बोलो बच्चों। चलो चलो, मैं जल्दी से तुम्हें चेकअप कर देता हूँ। चलो चलो, लेटो यहाँ पे, लेटो लेटो जल्दी जल्दी, चलो चलो। ओहो, लेटो लेटो बच्चों। ओहो ये गोलू पोपट, ओहो ये गोलू कहाँ गया कंपाउंडर मेरा? कोई बात नहीं, मैं ही इनका ट्रीटमेंट कर देता हूँ। वाह वाह वेरी गुड डॉक्टर पोपटलाल, बहुत बढ़िया, क्या ट्रीटमेंट करते हो आप, वाह 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 वाह। अले तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है बच्चे? अले हमने कहा कहा कि हमें बीमारी है, हम तो डायनासोर के वजह से, उसने हमें थोड़ा काट लिया था, तो हमारी ट्रीटमेंट चल रही थी ना, इसलिए हम इंजेक्शन लगाने के लिए मंगलवार और बुधवार कभी भी आते हैं, जब बुलाते हैं। आपके कंपाउंडर से मेरे पिताजी ने बातें की है डॉक्टर साहब। अरे रे रे, हाँ, बच्चे हाँ बराबर। चलो चलो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। चलो इंजेक्शन ले लो। ओके ओके, रोने की कोई जरूरत नहीं बेटा, अच्छे के लिए है। चलो चलो बैठो यहाँ पे, चलो चिक्कू तुम भी आ जाओ। अले डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बढ़िया दिखते हो। अले ले, ओहो कितने जोर से ट्रीटमेंट करते हो, तपासनी करते हो, रुको ना डॉक्टर साहब। अरे बच्चे तुम क्यों बकबक करते हो? चलो जल्दी जल्दी से मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। ओ दर्द होता है ना मेरे को डॉक्टर साहब। अरे रे बच्चे, चलो जल्दी जल्दी बैठो, गाड़ी बुलाओ और घर पे जाओ। हेलो गाइस, अगर आपको भी हमारा चैनल पसंद आता है ना गाइस, तो मुझसे ट्रीटमेंट करा लेना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। पहले हम रिकू चिकू के पापा को, रिकू चिकू के मम्मी को घर पे तो भेजे। चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलो, पहले इनको भेज देते हैं। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मैं रिकू चिकू का पापा बोल रहा हूँ, क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, अपने बच्चों को ट्रीटमेंट मैंने कर दिया, आपके बच्चों को इंजेक्शन लगवा दिया है, आप जल्दी जल्दी आपके बच्चों को लेके जाइए। ओह धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गले लगाने का मन करता है आपको डॉक्टर पैरेट। वाह वाह डॉक्टर, आप बहुत प्यारे हो पोपटलाल जी, चलो चलो बाय बाय। अरे हाँ, मैं प्यारा तो हूँ, चलो चलो अपने बच्चों को लेके जाओ ना। ओहो लेके जाता हूँ डॉक्टर साहब, बाय बाय डॉक्टर साहब, बाय बाय। ओहो गाड़ी कहाँ रह गई? अभी एक गाड़ी मंगा लेता हूँ पहले बच्चों के लिए।
ओहो गाड़ी आ गई है, वाह 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 वाह, वेरी गुड रिकू चिकू, बैठो जल्दी इसमें, चलो चलो जल्दी, तुम आगे तरफ जाना, फिर नेक्स्ट गाड़ी लेकर आने के बाद मैं चले जाऊंगा। ओहो चलो रिकू चिकू तो पहुंच गए घर पर, देखो अब उनके मम्मी पापा को जाना है। चलिए बाय बाय डॉक्टर साहब, बाय बाय डॉक्टर साहब, हम बैठ कर जा रहे हैं गाड़ी में। हाँ हाँ बाय बाय। अरे रिकू चिकू की मम्मी कहाँ रह गई? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ इनकी मम्मी। चलिए डॉक्टर साहब बाय बाय, नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर मिल जाना। चलो बहन जी बाय बाय। ओहो बहन जी जरा ठीक से बैठा करो, नहीं तो गिर जाओगी बहुत जोर से, तो मेरे पास ही ट्रीटमेंट करने आना पड़ेगा। अरे नहीं, भाई साहब नहीं, डॉक्टर साहब मुझे तो ट्रीटमेंट से डर लगता है, इंजेक्शन से, मैं जा रही हूँ। बाय बाय डॉक्टर साहब, बाय बाय बहन जी। दर्शकों, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया ना तो सब्सक्राइब भर भर के करना, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा, ठीक है दोस्तों? चलो बाय बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड फुल वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय दोस्तों।